तो प्यारे बच्चों हम शुरू करेंगे अब हाइपर कॉन्जुगेशन। हेडिंग डालिए आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाइपर कॉन्जुगेशन ना सेम तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बताओ मुझे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई नहीं भाई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ। हाइपर कॉन्जुगेशन पता क्या होता है, ध्यान से सुनना, क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। अरे अभी तो पढ़ा था सर डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू पाई इलेक्ट्रॉन, समझ गए। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, अच्छा सुनो, रेजोनेंस इफेक्ट में बॉन्ड का बॉन्ड बनता था, लोन पेयर का बॉन्ड बनता था, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन बनता था। यहां पे क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, बात समझ में आया, या पाई इलेक्ट्रॉन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे हम, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे, लाइन लिखेंगे, द डीलोकलाइजेशन ऑफ, द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फ्रॉम अ फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फील्ड एफ आई डबल एल ई डी बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एन एडजेसेंट, टू एन एडजेसेंट एम्पटी, टू एन एडजेसेंट एम्पटी या अनफील्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन, इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू पाई इलेक्ट्रॉन। फिर सब एडिंग डालेंगे आप, कंडीशन फॉर दी हाइपर कॉन्जुगेशन, पहली कंडीशन है, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, पहली कंडीशन है, कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट, पहली कंडीशन है, कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट वन एसपी टू, कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट वन, एक एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड, एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एसपी टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन वो होता है जो एसपी टू से जस्ट नेक्स्ट होगा, याद रखना, लिखवा नहीं रहा हूं, समझ जाना। अल्फा कार्बन क्या होता है, एसपी टू से, अल्फा कार्बन मस्ट बी एसपी थ्री, और उससे अगला कंडीशन है, अल्फा कार्बन कंटेन एट लीस्ट वन हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन कंटेन एट लीस्ट वन हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई आप लोगों को, क्या क्या होना चाहिए, एक उससे अगला वाला कार्बन, और उस कार्बन पे, जो भी कार्बन sp3 है, जो अल्फा कार्बन है, उस कार्बन पे एटलीस्ट, मैं तुम्हें एक सिचुएशन दे रहा हूं, उसका हम हाइपर कॉन्जुगेशन बनाएंगे और मजा आएगा, एक बात और डेफिनेशन भी समझ में आएगी। प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताएंगे, बातें नहीं जान साहब, कार्बोकेटाइन को जानते हो आप लोग, कार्बोकेटाइन को जानते हो आप लोग, क्या हाइब्रिडाइजेशन थी इसकी, क्या थी, और इसके कितने बॉन्ड बना करते थे भाई, तीन। जो ये तीन बॉन्ड बनते थे वो कौन है, एच एच, और हो सकता है कि इधर कार्बन हो, अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता,
अच्छा एक बार बताओ, जब तीन बॉन्ड बनते थे और हाइब्रिडाइजेशन होती थी इसकी sp2, पी में होते कितने ऑर्बिटल है? तीन। दो तो यहां पे इन्वॉल्व हो गए, एक पी रह गया कि नहीं रहा? तो रह गया, तो यहां पे आप क्या करोगे? एक पी बनाओगे। अरे हां कि ना यार, ये जो पी बनाओगे ये पी कैसा था हमारा? अच्छा आप डेफिनेशन पढ़ना और मैं आपको ये कनेक्ट करूंगा इस बातों से। डेफिनेशन पढ़ना, क्या कह रहा है? द डीलोकलाइजेशन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फील्ड ऑर्बिटल टू अ एडजेसेंट एम्प्टी ऑर्बिटल या फिर अनफील्ड ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए समझिए, इसमें आएंगे हम आगे। एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो। मेरे ख्याल से इसको तुम जानते हो, इसको हम क्या बोलेंगे? ये दो कार्बन है, अभी IUPAC नेम नहीं लिखेंगे तो YL लगा देंगे नाम के पीछे। क्या नाम आएगा? इथाइल। क्या नाम आएगा? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो क्या बन गया? इथाइल कार्बोकेटायन। प्यारे बच्चों मुझे बताइए, क्या इस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? सबसे पहले आप पहली कंडीशन पढ़िए, क्या कह रहा है? एक ऐसा कंपाउंड, इस कंपाउंड में एक कार्बन कैसा होना चाहिए? sp2। sp2 कौन है? CH2 वाला पॉजिटिव वाला कैसा है? sp2। पहली कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। देन क्या कह रहा है दूसरी कंडीशन? उससे जो जस्ट नेक्स्ट होगा, इससे जस्ट नेक्स्ट ये है, अरे है कि नहीं है यार? तो इससे जो नेक्स्ट होगा वो हमारा कैसा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। और वो अल्फा कार्बन जैसे सिंगल बॉन्डेड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन पे कम से कम इस पे तो तीन तीन हाइड्रोजन है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन बनाने के लिए तैयार है। अच्छा याद है तुम लोगों को, रेजोनेंस बनाने से पहले मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर एक ग्रुप जिसपे लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो वो हम चेक करते थे ना। वैसे ही बच्चे हाइपर कॉन्जुगेशन बनाने के लिए आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी। sp2, उससे नेक्स्ट sp3 एंड कंटेन एटलीस्ट वन है। इफ इट इज प्रेजेंट दैट मींस वहां पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन आप बना सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई है? नाउ प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे, इसे हाइपर कॉन्जुगेशन बनाना कैसे? इसके लिए आपको अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को अलग अलग करके बना लेना है। मेरे साथ साथ बना लीजिए आप लोग, और इस CH2 पॉजिटिव को बना लेंगे। आपको ज्यादा समझ में आया तो मैं पहली बार इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स को भी यहां पे ड्रॉ करने वाला हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। अब प्यारे बच्चों मुझे बताइए, बताओगे अल्फा कार्बन पे जो एक हाइड्रोजन है ना, उस बॉन्ड से एरो उठाओ मेरे साथ और उसको यहां भेज दो, कार्बन कार्बन के बीच में भेजा। चेंजेस बताइए क्या आएगा? देखिए यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां जाएंगे। अब यहां आएंगे तो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में आएंगे कि नहीं आएंगे? ओके टेल मी, यहां पे चेंजेस क्या क्या आए हैं? HC और H, इसमें कोई चेंज? ये वाला एच यही रहेगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इस एच पे चार्ज कैसा आ गया? क्योंकि इसने दिया है, अरे हाँ कि ना यार, और इसने लिया है तो इस पे चार्ज कैसा आना था? पर क्योंकि ये पहले से ही, तो ये क्या हो जाएगा? और ऐसा होने से यहां पे कैसा साइन आया, कैसा बोर्ड आया? डबल बोर्ड, और ये क्या बन गया? CH2। क्या ये बात समझ नहीं आई? अच्छा एक और बात मुझे बताओ, अरे ये कार्बोकेटायन था, अरे हाँ कि ना यार, और जो ये कार्बोकेटायन था इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? और 6 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, तो ये क्या है ये? लेकिन एक फिनोमिना कर रहा हूं मैं, कौन सी फिनोमिना है ये? और हाइपर कॉन्जुगेशन होने के बाद आप देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, बाकी से मतलब मुझे, तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हुए, ये मॉलिक्यूल, ये कार्बन, ये कैसा हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? तो हाइपर कॉन्जुगेशन ने किसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाई? कार्बोकेटायन। इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाई, इसका एक हाइपर कॉन्जुगेशन बनाया, एक हाइड्रोजन है। तो मैंने तुमसे बोला कि अगर इस पे कितने हाइड्रोजन है? 1, 2, 3। किसी बच्चे के भाई वो कह रहा है कि नहीं, हम ऊपर वाले हाइड्रोजन को क्यों भेज रहे हैं, हम नीचे वाले हाइड्रोजन को भी तो भेज सकते हैं। अरे हाँ कि ना यार, तो ये वाला हाइड्रोजन तो हम यहाँ पे भेजेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, तो भाई तू यहाँ वाला भी भेज सकता है। एक हाइपर कॉन्जुगेशन ये बना था। ये रेजोनेंस की तरह नहीं है कि लगातार बनता चला जाएगा,
इसी स्ट्रक्चर से एक बन जाएगा, इसी स्ट्रक्चर से नीचे दूसरा क्यों बन रहा पता है? क्योंकि या तो आपने ऊपर वाला भेजना है या फिर तो नीचे वाला भेजोगे तो जो चेंजेस आ रहे हैं वहां करना हो। देखो यहां से एच सी ऊपर वाले में चेंज नहीं किया, नीचे वाले में चेंज किया, एच पे चार्ज कैसा आ गया पॉजिटिव, यहां पे क्या हो गया बोलो बोलना क्या हो गया, यहां पे क्या आएगा सी एस टू न्यूट्रल। अब तुम कहोगे कि नहीं ऐसे कैसे, हम तो ना ऊपर वाला भेजेंगे ना हम नीचे वाला भेजेंगे, केयर वाला भेजना है तो कितने शिफ्ट नहीं करना है, इधर वाला भेज दो, ये दूसरा बन गया। अरे हाँ कि ना यार, इधर वाला भेज क्या बना बोल फटाफट से, एच पॉजिटिव सी ऊपर नीचे एच, अरे हाँ उसके बाद सी एस टू और यहां डबल बोन हो जाएगा। हर बार एरो दिखाने की जरूरत है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, बोन हटाना एच पे पॉजिटिव और वहां पे डबल बोन आ जाएगा। हाउ मेनी हाइपर कंजुगेशन, मैं बिना बनाए बता सकता था कि इसमें तीन हाइपर कंजुगेशन बनेंगे, क्या तुम बता सकते थे कैसे? अल्फा पे जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी, क्या यह समझ में आ गया? बोर्ड पे मत देखना, बना के दिखाओ फटाफट से हाइपर कंजुगेशन इसी का, ये बना लिया। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट हो तुम तो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। हाँ हवा में रहेगा, तैर रहा है वो, इसमें चार्ज कैसा है? यहां पे पाई बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे से पेयरिंग करते थे तो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उससे वो अट्रैक्ट हो रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी में इसके डायग्राम दिखाऊंगा तुम्हें मैं अभी। क्या ये हो गया है सभी का? कार्बोकैटायन, यार तुम एक बार बताओ ना तुम्हें याद है भी कि नहीं है बताओ। तो सुनो, जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी देर तक वो कार्बोकैटायन स्टेबल रहा। इस वाले केस में जो पीछे बनाया तुमने उसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेशन बने थे? एक बार इधर देखना, जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन बनाने के काबिल है? अरे है कि नहीं है यार? कैसे पता चला? सीएच पे कैसा ये? क्योंकि ये क्या है? और इससे नेक्स्ट वाला तो ये भी तो नेक्स्ट है, ये भी। और इस अल्फा पे कितना हाइड्रोजन? इस अल्फा पे टोटल कितने हो गए? तीन। इसकी वजह से बनेंगे, तीन इसकी वजह से, बना के दिखाऊं समझ में आ गया है? तो छह अल्फा हाइड्रोजन की वजह से छह हाइपर कॉन्जुगेशन बने, और छह हाइपर कॉन्जुगेशन बने तो छह वक्त तक ये सीएच डबल बॉन्डेड रहा और स्टेबल रहा। क्या रहा? जैन साहब आगे आके बैठ जाइए। अब हमें जैन साहब कुछ मार्गदर्शन करेंगे। इसमें मैंने क्या बताया है अभी? नौ बन सकते हैं शायद, छह को उल्टा घुमा दो तो नौ बन जाएगा। बेटा सिक्स और नाइन दोनों में फर्क होता है, नहीं आया समझ में? छह नीचे की तरफ से बनता है, नाइन ऊपर की तरफ से बनता है। ध्यान दिया करो बच्चे, बातें बातें करने के लिए तुम्हें चाहता ही है, तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं बच्चे, बात करके बातें में लगाना चाहते हैं ताकि आप पीछे रह जाओ, नंबर कमा रहे हैं ना, कभी टॉपर नहीं बन पाए इसी वजह से, और हमेशा उसके ज्यादा नंबर आते हैं। गौर करो, दुश्मन है वो तुम्हारा पढ़ाई के मामले में, ये मतलब नहीं है कि सर्वर फाड़ने लग जाओ। अच्छा ये बताओ, ओए तुमसे गहरी बात पूछ रहा हूं मैं, ये बताओ कि क्या ये हाइपर कंजुगेशन बनाएगा? ये वाला हमारा कैसा हाइब्रिडाइजेशन का है? sp2। ये वाला तीन तीन sp3 वाले हो गए, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा पे तीन तीन छह और तीन नौ, नौ अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा हाइपर कंजुगेशन बनेगी। अरे हाँ कि ना, उससे पहले मैंने आपको पीछे बताया था CH3 CH2 पॉजिटिव जिसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन थे, यानी कि तीन हाइपर कंजुगेशन था। और लास्ट वाला क्या है हमारा? CH3 पॉजिटिव, CH3 चेक इट आउट, क्या इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन बना सकते हैं? क्यों? sp2 तो है लेकिन अल्फा वाला ही, यहां पे जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी तो है, साथ में किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाइपर को, जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है किसकी? कार्बोकैटायन। प्यारे बच्चों मैंने आपको कार्बोकैटायन की ना तीन कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी की बात करी थी, एक मैंने सबसे पहले किसकी बात करी थी? प्लस आई, याद है आप लोगों को? भाई अगर मैं इसे ध्यान से दिखाऊं तुम्हें, अगर तुम्हें याद भी हो तो CH3 के पास प्लस आई इफेक्ट भी तो होता है,
अरे हाँ कि ना यार, तो प्लस और इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से भी बढ़ रही थी, और ये कौन सा फिनोमेना बताया मैंने, और कई बार बेंजीन रिंग के ऊपर जो CH2 पॉजिटिव चार्ज था वो रेजोनेंस से भी हो रहा था। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तीनों चीजों से होंगी जो हम आगे हम करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। प्यारे बच्चों, इनमें बस मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें देखने को मिली, फिर इसमें जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वही कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, किसकी स्टेबिलिटी, ऑफ कार्बोकैटायन की, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइपर कॉन्जुगेशन के। इसमें सबसे कम है ये मिथाइल है, नाम तो याद ही होगा, ये इथाइल कार्बोकैटायन है, ये वाला हमारा आइसोप्रोपाइल। क्या बोलोगे अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, मेरे को रीजन बताओ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के। दो रीजन बताने हैं, एक फिनोमिना अभी आपने एक्सप्लेन किया, कौन सा है, हाइपर कॉन्जुगेशन में 3 डिग्री ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक रीजन। दूसरा रीजन बताओ, इंडक्टिव है, यही ज्यादा क्यों स्टेबल हुआ, क्योंकि मिथाइल ग्रुप के पास ऐसे ऐसे मिथाइल ग्रुप कितने हैं इसमें, तीनों मिलकर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे, इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो दो रीजन हो जाएंगे। तुमसे पूछेंगे कि कार्बोकैटायन स्टेबल कैसे होता है, तो तुम्हें क्या बताना है, कार्बोकैटायन स्टेबल होता है बाय द हाइपर कॉन्जुगेशन से एंड प्लस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से, बिकॉज ऑफ इन 3 डिग्री, 3 डिग्री बोलेंगे ना इसे शायद, 3 डिग्री बोलेंगे ना इसे शायद, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, देर आर 3 मिथाइल ग्रुप हैविंग विच इंक्रीज द एंड प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में 3-3 हाइड्रोजन होने की वजह से नो अल्फा हाइड्रोजन और स्टेबिलिटी। बात समझ में आ गई, कैसे लिखना है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं। तो इसे बोलेंगे हम टर्ट, बहुत बढ़िया, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, ओके। हाइपर कॉन्जुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे पता लगाते हैं, कितने ज्यादा बनेंगे उसके लिए आपको क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्या बोर्ड पे लिखी हुई हर बात आप लोगों ने लिख ली है, ओके लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, सब हेडिंग है हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको बोर्ड पे जो दिख रहा है ये हाइपर कॉन्जुगेशन बनाने के काबिल है? नो सर, यस सर, नो नो सर, यस सर, नो सर। देखो मैंने हेडिंग डलवाई है तो ऑब्वियसली होगा, तो sp2 पहली कंडीशन चेक करो ना आप लोग, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अरे डबल बॉन्ड वाला sp2 ही तो होता है, sp2 से नेक्स्ट वाला भी sp2 निकला, तो ये तो शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इस sp2 से नेक्स्ट वाला है sp3 और हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन ये शो, तो डबल बॉन्ड में भी होता है, कार्बोकैटायन में भी होता है, कैसे शो करेगा बताता हूं मैं। वो बताओ इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो मतलब कितने हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे, एक मैं बना रहा हूं बाकी तुम बनाना, ठीक है। जैसे ये हमारा 3H हो गए, अरे हो गए कि नहीं हो गए यार, बोला करो CH2 डबल बॉन्ड। अब क्या करेंगे पता है, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है सिंगल है ना, इसको बनाओ डबल और डबल को बनाओ सिंगल, कर लोगे ऐसा, चेंज लगाओ फटाफट जल्दी करो, इसमें 2 एरो लग गएंगे बस, इतना ही फर्क है, कार्बोकैटायन वाले में 1 ही एरो लग रहा था, क्या चेंजेस आएगा। यहां डबल बॉन्ड, हाँ फिर CH सिंगल बॉन्ड, CH2 लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, एच गायब नहीं करना है, एच पे चार्ज कैसे लगाना है,
इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, बट लोकेशन चेंज नहीं होगी, वही रहेगा। मैंने एक बनाया है, क्या ये काम तुम नीचे वाले के साथ करा के दिखा सकते हो? दोबारा बनाओ, सब कुछ दोबारा लिखना, ये वाला स्ट्रक्चर भी दोबारा लिखना तुम लोग, और फिर उसमें एरो ऐसे लगाना और फिर चेंज कराना। चलो करो फटाफट से। ये एक हाइपर कंजुगेशन बना, यहां पे वन डाल रहा हूं मैं, इससे अगला वाला बिल्कुल सेम बनाना है आपको, जल्दी करिए। क्या ऐसे ही बनाया जैसे मैंने बनाया? अरे हाँ कि ना यार। ओके ओके, एच गायब हो गया ना, एच हाँ बोल रहे थे अभी, एच प्लस। ये दूसरा हाइपर कंजुगेशन है, ऐसे तीसरा ही बनाइए, जल्दी करिए। तीसरे में ना जब बॉन्ड जैसे ऐसे बनाओगे ना इसे यहां से, तो बना देना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करके, या फिर नीचे से ले लेना, कैसे भी ले लेना, जल्दी कराओ। एरो नहीं भी दिखाओगे तब भी हम समझ जाएंगे। लाइन लिखेंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा रहेंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या बनेगी बच्चे? हाइपर कॉन्जुगेशन। और उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ, पीछे तो कार्बोकैटायन पड़ा था, अब किसकी बात चल रही है? एल्कीन की। किसकी बात चल रही है? एल्कीन की। ठीक है, चलिए चेक इट आउट करिए, आपको बस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करने हैं बच्चे। इसमें अंशु अब तो ये चाहता है कि ये बोले ना, है ना, गलत बात है इमरान बच्चे, तो उसकी बात सुन रहा है, वो तो मजबूर है, पर आप नहीं, वो तो बोलेगा। वैसे क्या बातें बताता रहता है जैन? ये कुछ नहीं, इमरान क्या बातें बताता रहता है? ये इंटरेस्टिंग बात है क्या? बता तो दे। पूछ रहा है कि अगर मैंने बता दिया तो मुझे और बातें पता नहीं चलेंगी। वैसे अंशु क्या बात बताता है आज, बता ही दे, तू इतनी बातें कैसे कर लेता तू? सर्दियों में मटर छीलने वालों के साथ बैठ रहा है आजकल, है पढ़ लिया कर यार। इमरान वैसे ही दिमाग से कमजोर है थोड़ा सा, ऐसा उसे उसका कहना है ना, जब ये इससे बात करेगा तब समझ आ जाता है, बात करते हुए भी टैलेंटेड है तू। दो कान है फिर तेरे, एक कान यहां रखता है। चलिए मैं ये पूछ रहा है, अरे बताओ ना इसमें कितने हैं? अखिल बताएगा, देखो अखिल ने पूरा कॉन्सेंट्रेशन दिया है। अखिल बच्चे बताना इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? चार अल्फा हाइड्रोजन है, वेरी गुड। कोई और बच्चा बताएगा? एक भी नहीं है, क्या फायदा हुआ? तुमने बातें भी नहीं करी और आंसर नहीं बताया, है ना, जीरो है। क्यों है? सबसे पहले तो यही देखना था कि sp2 से नेक्स्ट वाला होता है अल्फा, sp3 है ही नहीं, तो यहां पे जीरो अल्फा हाइड्रोजन। जीरो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब नो हाइपर कंजुगेशन। ओके, कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे हम CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये वाला अल्फा है तो तीन अल्फा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला, अभी यही कराया था, कराया नहीं है, बस मैं एक बार अरेंज कर रहा हूं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा, और उतनी ज्यादा किसकी? तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन है? ये वाला डबल बॉन्ड से एक नेक्स्ट वाला, समझ में ये बात? अच्छा समझो, अगर मैंने यही चीज इधर कर दी होती, जादू बताओ इधर इधर, बाद में बना लेना ना, एक बार बताओ तो, इन्वॉल्व तो रहो बताने में, अगर स्पीड अच्छी है तो बताओ भी और बनाओ भी, स्पीड अच्छी नहीं है तो सिर्फ बताओ बताओ, बताना इस प्राइमरी थिंग।
पांच, कितने? दोबारा बताएंगे, दोबारा बताएंगे, पांच वाला की आवाज कम हो गई, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट होता है और उससे नेक्स्ट होता है, क्या मैंने बीटा का जिक्र किया था? किसका जिक्र किया है? तो सिर्फ क्या देखना है, तो दो अल्फा है, तीन अल्फा है, दो अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आई ना तुम्हारे? जादू कभी भी हो सकता है, जादू कभी भी कैसे भी हो सकता है। बताओ, बोलो, बोल ही नहीं रहे। इसमें कितने हैं? सात या एक? हाँ, क्योंकि इस पे अल्फा हाइड्रोजन है। अब तुम समझ गए मेरे क्वेश्चनों को, है ना? अच्छा भाई, फिर ये बात है, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं फिर। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सोच रहा हूं मैं, प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, विंडो 7 लगा रखी है इसने। 6? कैसे भाई, तूने कैसे जल्दी सोच लिया? हैं? विंडो 10 है, इसमें भी डाल थोड़ा सा विंडो, इससे नेक्स्ट वाला अल्फा, इससे नेक्स्ट वाला। हैंग हो रहा है बेटा, बहुत वायरस है दिमाग में। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट, अब नेक्स्ट अगला क्या होता है? इससे भी अगला और इससे भी अगला, दोनों अल्फा हो गए। इसकी वजह से ये इन्वॉल्व होगा, इसकी वजह से ये इन्वॉल्व होगा, कहा तुम कहानी, कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन है भाई। ठीक है, चल, बहुत ही अच्छी बात कही, कहता बहुत अच्छी बात है। अब बता, हुआ ना जादू? बोल ही नहीं रहा। 9 है, 6 है, कौन कौन से? ये वाला अल्फा है, ये वाला भी और ये वाला भी अल्फा है, तो कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। बहुत बढ़िया, बताओ 12 जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हैं सबसे ज्यादा इसी में है और सबसे ज्यादा स्टेबल भी। और सुनो एक और बात, मैं एक और शब्द यूज करूंगा जो गहरी बात कहता है, दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। सुन लो भाई, जब मैं बोलू सुनो तो सुनो, उस शब्द में बहुत गहरी बात होती है। सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब क्या है? एल्कीन के दोनों तरफ कितने ज्यादा कार्बन की चेन है, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आई बात आप लोगों को? नहीं समझ में आई, ये लिख लो, कोई बात नहीं। अरे लिख तो लो यार, अब क्या यार, हद होती है, अब क्या मैं कुछ अलग बात जब बताने के लिए बोलते तो कोई नहीं सुनेगा, वैसे देखेंगे पता नहीं क्या ही बता दूंगा मैं, ऐसे देखेंगे, शक करेंगे मेरे पे। कुछ बातें होती है जो नहीं समझ में आती है, फिर मैं देखता हूं मैं किसी और तरीके से बताऊंगा। ये हो गया था, ये है? 3 वाला होगा, जितने ज्यादा बताया ऊपर क्या लिखा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, हाइपोकंजुगेशन ज्यादा, इनको अरेंज मैंने सीक्वेंस में थोड़ा किया, एबीसीडी डालो और फिर अरेंज करो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। सारे बना लिए क्या तुम लोगों ने? हो गया, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अरेंज किया, 12 अल्फा हाइड्रोजन वाला सबसे ज्यादा होगा। ओके, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको,
आपके पास ये तीन स्ट्रक्चर है, खांसी मत करो, तीन स्ट्रक्चर है बच्चे, इनमें बताइए हाइपरकॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा। देखो डबल बॉन्ड है तो वो क्या हो गया, ये भी डबल बॉन्ड है, sp2 से नेक्स्ट वाला अल्फा अल्फा, सो वी हैव हाउ मेनी अल्फा, इन तीनों अल्फा पे चेक इट आउट कितने कितने हाइड्रोजन है, गिन लो, जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा से, बोले जल्दी करके दिखाओ, इसमें सात है पक्का, कैसे, इसमें कितने हाइड्रोजन है, इसपे दो हाइड्रोजन है क्योंकि दो बॉन्ड दिख रहे हैं, अच्छा इसपे, अरे वाह तुमसे उम्मीद नहीं थी वैसे, और यहां पे तो हो गए सात अल्फा हाइड्रोजन, चेक इट आउट फॉर इन द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, डबल बॉन्ड ये है तो इससे नेक्स्ट ये होगा अल्फा, इससे नेक्स्ट ये होगा अल्फा, लिख देना चार है इस पे, अरे वाह, और इस वाले में ये वाला है एक अल्फा और एक ये वाला अल्फा, इसमें कितने हैं, दो, और इसपे तीन बॉन्ड बन रहे हैं तो एक, तो कितने हो गए, तीन अल्फा हाइड्रोजन, चार अल्फा तीन अल्फा सात अल्फा, ज्यादा स्टेबल, अगर मैं ABCD नाम दे दूं तो ABC है, बी सबसे ज्यादा है और फिर सी और फिर ए, बहुत बढ़िया, क्या हुआ, कर लोगे ना पक्का, ठीक है, तो ये हाइपरकॉन्जुगेशन की क्लास यहीं खत्म हो जाती है, बंद कर दो इसको एक बार।